ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आर्यन इन्हें जानते थे और इन्होंने मुझे अप्रोच किया. सो दैट्स हाउ द एंटायर सर्कल इज. और ये अब जो रैप कर रहे हैं ना मलिक जी, आपको सामने भी लाइव रैप करेंगे. लाइव लाइव रैप विद द बीट्स, नॉट विद द बीट्स. ओके. माही वे जतो कन्ना चे सुनाई दे. माही वे जीवे सब माचे दवाई वे. माही वे जिंद तेरे नारे लाई वे. माही वे देवा मैं तेरी तू भाई गल्ला तेरे मेरी हूँ जागू तेरू तेरे पास मैं पूरी दुनिया छेड़ दूँ नारे कब मस्त तेरी खुशियाँ रख दूँ जे एक बार पैर नारे बिठे तू ते दुनिया दे ते दुनिया दे ते दुनिया तुझे पास से साड़ी अपनी दुनिया बढ़ावांगे साड़ी नाम की तब बचावांगे. ओह थैंक यू सो मच. मेरा विषय मेरे को नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया हमारा होस्ट, कहीं से भाग चुका है. अच्छा फैजल साहब से पूछ. 8 महीने के बाद ये गाना रिलीज हुआ है. बहुत मेहनत बहुत प्यार से बनाया हुआ ये गाना है. या एब्सोल्युटली. और दोनों हमारे हीरो हीरोइन को 8 महीने तक अपने आप को ऐसे ही मेंटेन करना पड़ा. वैसे इस गाने में बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी मंच पे नहीं है, मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा. जैसे मेरी एक यंग ब्रिगेड है उज्जवल, ऋषभ, धीरज, प्रशांत, जय पारेक, ऑफकोर्स माय एसोसिएट डायरेक्टर एंड माय वाइफ गजाला. शी इज अ वेरी पॉपुलर वेरी वेरी फेमस South Indian actress, Telugu film actress, and now she's into direction. So मेरा साथ देती हैं और इसमें 70% हाथ उनका ही है, क्योंकि जो आप feel देखेंगे ये चटक पटक और ये bright colors, ये बहुत हद तक हमने south को match करने की कोशिश की है. for a lovely support Ashika, thank you very much. And who else? I am sure I'm not forgetting any name. Pradeep ji, thank you very much. आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ये है जिनके जेब से पैसे निकले हैं 8 महीने तक. नहीं अगले इसमें बजट बढ़ा के लेंगे अभी, है कि नहीं? बजट बढ़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल. एंड मोस्ट ऑफ ऑल डेजी ने बहुत डेजी एक हमारे लिए एक स्टार पावर था इस गाने में. शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस. हाउ वी नो जैसे इन्होंने मेंशन किया है इनकी वाइफ गजाला, मैं गजाला और आशिका हम की फ्रेंड्स हैं. तो आई थिंक हम लोग 6 साल से दोस्त हैं. या वी आर लाइक वी आर फ्रेंड्स सिंस 8 इयर्स एंड वी आर लाइक टीम की तिबड़ी. और ये जो है वो हम अपने लिए दोस्त गजाला, उनसे शादी की. और वैसे हम एक दूसरे को मिले और ही हैपेंस टू बी अ फोटोग्राफर, वेरी वेल फोटोग्राफर एंड वेरी गुड डायरेक्टर एज यू जस्ट सॉ. See, there were a lot of things. She was busy in her film. इनकी फिल्म आ रही है राम रतन, so उसमें ये busy थी तो ये बाहर चली गई. फिर उसके बाद आर्यन का भी एक, इसमें आपने लुक देखा होगा, बेयर बॉडी शॉट है. तो आर्यन को भी आजकल का जमाना बहुत बदल गया है ना, आजकल हीरो मेहनत करते हैं, उनको चाहिए कि मुझे परफेक्शन, मैं परफेक्शन मतलब पूरे परफेक्ट दिखाई दूँ. तो उन्होंने भी थोड़ा वक्त लिया. फिर मेरी भी कुछ तबीयत खराब हो गई. नहीं ऐसा कुछ नहीं था, धीरे 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 करके ये गाना, इसमें काफी वक्त लगा, 2-3 महीने के लिए गाना रुक गया. फिर उसके बाद फिर गाना बनने के लिए हुआ. फिर हमने इसमें काफी सारा, इसमें तकरीबन 4 सेट यूज हुए इस गाने में. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग दिस ईयर, मतलब मुझे ऐसा लगता है बजट वाइज इट इज हम लोग. हाँ सो आप देख सकते हो मेरे जीन्स वीन्स भी फटा हुआ है मुझे भी. So it is only Pradeep ji jinne matlab bahut bahut saath diya hamara, aise upar wala aise producer sabko de. Pradeep ji upar aaye, koi dikkat nahi hai. 8 mahine tak unhone saath diya, thoda sa paisa aur laga dete to ye film ban jati. What is the concept behind the singer the fight club actually? What jab gana aaya to kaise isko actually visualize kiya aapne? Daisy is very athletic first of all. So जब हमने ये गाना सुना तो मैंने आर्यन को बोला कि जो Daisy का main, मुझे Daisy इस गाने में चाहिए, क्योंकि एक तो ये बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी डांसर भी है, बहुत अच्छा डांस करती है, अच्छे मूवमेंट है, तो हमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और हम पैसा बचा लेंगे. तुम सुनो मेरी बात ध्यान से. वो डिशा हो गया.
So, अरे वो तो इनको भी प्रोड्यूसर साहब को यही बोला गया था कि यार देखो वक्त जाया नहीं होगा, वो तो फॉरन पिकअप करेंगे और काम भी हो जाएगा और तो फिल्म और हमारे प्रोड्यूसर साहब को फिल्म की हीरोइन चाहिए थी इस गाने में। सो कुल मिला के ये चीजें हो गई और फिर मिट्टी में, मिट्टी का जो गाने में मिट्टी है तो फिर आर्यन को बॉलीवुड बहुत पसंद है। बताओ आर्यन किसके जैसा दिखता है आप लोगों को गौर से देखो? ये सवाल गलत है, ये सवाल नहीं। मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरे जैसा दिखता नहीं है, मैं जब जवान था तो ऐसे ही दिखता था। उसको उसको बिल्कुल बॉलीवुड चाहिए था। हमने बहुत कोशिश की कि थोड़ा क्रिएटिविटी घुसाए लेकिन नहीं, वॉज वेरी वेरी फोकस्ड एंड ही न्यू कि इसको क्या करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक जोरदार ताली आप उसके लिए बजाएंगे जिसका नाम मैंने मेंशन करना मैं भूल गया, जिसके लिए फिर 7 तारीख को हम दोबारा शूट करेंगे राहुल कोरियोग्राफर। जितना यंग और जितना अमेजिंग पर्सनालिटी है ये, उतना ही ज्यादा टैलेंटेड है एंड आई लव हिम। एंड इंशाल्लाह इन 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 कमिंग इयर्स, मतलब मुझे लगता है ज्यादा इयर्स में ज्यादा बोल रहा हूँ, इन कमिंग ईयर ही विल बी अ वेरी बिग डायरेक्टर इंशाल्लाह। वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट कोरियोग्राफर्स आई हैव एवर मेट एक्चुअली। Before I forget, that's Paul. पीछे खड़ा दिख रहा है, my partner in crime, so it's Rahul and Paul. And sorry, कोई बोला किसी ने? मैं यही कहूँगा कि जब मैंने सुना कि डेजी है वीडियो में तो मेरा आधा स्ट्रेस वही खत्म हो गया, क्योंकि इनको हमने डांस करते हुए देखा है और जब रिहर्सल पे हॉल पे आई तो हमने 1-2 घंटे रिहर्सल कोरियोग्राफी उन्होंने सीख लिया। पूरे वीडियो में शूट होने से लेके वीडियो का गाने का जन्म होने से लेके आज के डेट तक आर्यन ने मेरे को रोज कॉल किया, भाई कैसा होगा, भाई कैसा होगा, भाई कैसा होगा, तो भाई को ये बोलो भाई ऐसा होगा। गुड जॉब आर्यन को भाड़ो। थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या कहूँगी आप बताए, आपने गाना देखा क्या, आपको अच्छा लगा? गाना काफी अच्छा था, क्या कहना, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों? थैंक यू, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था क्योंकि मेरा ये पहला सिंगल है तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत तकलीफ होगी जानने में, मतलब जो प्रोसेस है वो जानने में, पर कुछ डिफरेंट नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। एंड आई एम बीइंग वेरी लकी टू वर्क विद माय फ्रेंड्स, जैसे जो डायरेक्टर है फैसल वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है तो मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ। एंड अगेन आर्यन ने ये बात की बहुत तरीके से ध्यान रखी है कि उन्होंने एक अच्छी टीम बटोरने की कोशिश की है इसके अंदर। कैन वेरी बैड विथ हिंदी बट आई एम गोना से इट इन इंग्लिश, दैट ही ट्राइड टू गेट यू नो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हेन इट केम टू द टीम। ही गॉट वन ऑफ द गुड कैमरा मैन, ही इज़ गॉट अ गुड डायरेक्टर, ही इज़ गॉट अ गुड एक्शन डायरेक्टर, ही इज़ गॉट अ गुड कोरियोग्राफर। सो as a package, as a whole package, it's it was a win-win situation for me and that's the reason that I never had any second thoughts in being a part of this song. जी हाँ, ये सवाल काफ़ी अच्छा है कि मैंने एल्बम क्यों बनाया, क्योंकि मैं हूँ एक म्यूज़िक इंडस्ट्री से, मैं डीजे अपनी लाइफ में पहले बन चुका हूँ, मैंने अपनी म्यूज़िक से सीखा है, तो जब म्यूज़िक इंसान सीखता है तो म्यूज़िक को डिलीवर करता है। जैसे आप एडिटर हो तो आप अपनी एडिटिंग लाइव दिखाते हो, बराबर, तो ये मेरा काम था म्यूज़िक करना, तो करते करते जब तक यहाँ पर पहचान बनाने के लिए आपको सामने आना पड़ता है। आप कुछ भी काम करो, आप कुछ भी काम करो, जब तक आप सामने ला के दिखाओ नहीं अपने टैलेंट को, सामने पेश नहीं करो, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। पर टैलेंट भी सही तरीके से दिखाओ, जैसे कि टैलेंट अगर आप सही दिखा रहे हो तो उसमें अच्छे लोगों को लो तो वो टैलेंट और अच्छा रंग लाता है। जैसे कि मैंने डीसी को लिया, मेरे डायरेक्टर अच्छे, मेरे एक्शन डायरेक्टर अच्छे, तो एक अच्छा पैकेज आप देख सकते हो कि इसमें हमने मेहनत की है, तो आपको सिर्फ दिख रहा होगा कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और एल्बम से एक ब्रांडिंग होती है, एक इमेज बनता है, फिर हमारे जो फैंस हैं जो हमें पसंद करते हैं वो हमें चाहते हैं कि हम और कुछ नया करें, सो इट्स लाइक वन स्टेप
आगे बढ़ना। सी क्या होता है ना कि आप जैसे आपने कहा, चाहे हम कोई फिल्म देखे ना देखे, गाना जरूर देखते हैं, और म्यूजिक के बिना फिल्म अधूरी है। पर या आई मीन अगर गाने ना हो तो, और हमारे यहाँ पे जो प्रोमोज भी चलते हैं वो ज़्यादा करके गानों के चलते हैं, तो आई पर्सनली फील के म्यूजिक जो है वो एक इट्स अ फील गुड फैक्टर। व्हेन यू फील सैड यू लिसन टू म्यूजिक, व्हेन यू फील हैप्पी यू लिसन टू म्यूजिक, व्हेन यू डांस यू लिसन टू म्यूजिक। सो म्यूजिक इज समथिंग दैट इज रूलिंग पीपल्स हार्ट्स फॉर द लॉन्गेस्ट, एंड आई थिंक आर्यन has done a good job with it. And his topic was to be in a, it's like a fight club and with lots of mud and all that. So, ये एक छोटा सा सिचुएशन था जब हम बैठे हुए थे डिस्कस कर रहे थे कि हम एक गाना बनाएंगे, पर मुझे हमेशा बॉलीवुड पसंद है क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में और हम जो बचपन से देखते हैं वो देखते हैं बॉलीवुड। नो डाउट वी लुक आफ्टर हॉलीवुड मूवी, पर देख आप जाओगे जहाँ पर छोटे छोटे गाँव में तो बॉलीवुड चलता है ज़्यादा करके, तो बॉलीवुड देख रहा था, तो बॉलीवुड कुछ बनाने की कोशिश थी। बैठे हुए थे बात की स्टोरी लाइनअप क्या बनाएंगे, तो वैसे ही दिमाग में आया था कि हम लोग एक मिट्टी को लेके कुछ बनाते हैं, सुल्तान। तो सुल्तान जो उस टाइम दिमाग में चल रहा था, तो सुल्तान को करते 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 ये फाइट की स्टोरी बन गई। और इसमें डीजे भी फाइट करने वाली थी? मैं फाइट नहीं करने वाली थी, मतलब एक डांस सीक्वेंस था जो मिट्टी में प्लान किया था, बट वी रैन आउट ऑफ टाइम एंड दैट्स व्हाई वी कुडंट फिल्म इट। बट इट्स ओके, आई वांट यू टू टेक द क्रेडिट ऑफ मिट्टी एंड नॉट मी, सो लेट द मिट्टी बी विद यू। व्हाट डू यू से अबाउट आर्यन, लाइक यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, लाइक यू हैव बीन इनटू डांसिंग बिफोर, हां हाउ डू यू फाइंड हिम, समथिंग अबाउट आर्यन? नहीं, मैंने उनको काफी फीडबैक दिया था, जैसे हम जब शॉट भी दे रहे होते थे, सो इफ देयर वाज अ स्टेप वेयर ही वाज गोइंग रॉन्ग, मैं मतलब थोड़ा सा विस्पर कर देती कि आर्यन ये थोड़ा ऐसे कर लो, ये थोड़ा वैसे कर लो। सो या दैट हैज बीन ऑलवेज, वी हैड अ गुड बॉन्डिंग। हम जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वी टेक दैट प्रोजेक्ट एज अ बेबी, सो वो भले एक्स मैन हो या वाई मैन हो या जेड मैन हो, अगर कहीं पे कुछ सही नहीं जा रहा है तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सामने वाले को सही करें, क्योंकि जब कोई देखता है कोई प्रोजेक्ट वो एक टोटैलिटी में देखता है, इंडिविजुअलिटी में नहीं देखता। पंजाबी गाना कितना पसंद है आपको? पंजाबी गाने तो मतलब रॉक कर रहे हैं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डीजेज है, सिंगर्स है, स्पेशली बादशाह के साथ हम टूर भी कर रहे हैं अभी। मलिक साहब, मेरा जो रैपर है ना बॉस और जो मेरी सिंगर है, मतलब मैं मेरा गाना इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे साथ जो भी लोगों ने काम किया ना उन सबका फ्यूचर बहुत अच्छा है मुझको छोड़ के। He's just being humble. No. I am honest. I am telling you. मन में बोला नहीं, मेरा भी. ठीक है, वो कोई भी बोलता है, बात की बात है। पर नहीं, ये मान लिया ना? ठीक है, दीदी मान लिया। ये बोलने कम देती है, पता है? ये रूल करती है। हाँ तो ठीक है। तो ये जो रैपर हैं, इनकी वॉइस माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बहुत ही जल्दी ये लाइक इज वन ऑफ द गॉड ऑफ द रैपर, लाइक वेरी गुड, लाइक ज्योति एंड ज्योति का वो तो बॉस, मैं तो इनको इस गाने सुन सुन के, मतलब हम लोग दो तीन गाना और कर रहे हैं साथ में, ये हमारा कॉम्बिनेशन है कि ये मेरा लकी कॉम्बिनेशन मुझे लगता है, तो मैं हम लोग तीन गाना और कर रहे हैं साथ में, तो मेरा जो टीम है ना एवरीवन इज लाइक शेयर है सर, ठीक है। नहीं, बिग बॉस आ रहा है, क्या कहना चाहिए बिग बॉस के बारे में? क्या, आप देखते क्या बताएं तो चल रहा है बिग बॉस के बारे में, कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा खेल रहा है, सभी अच्छा खेल रहे हैं। उनको जुबैर को काफी आप लोग ने फुटेज दे दिए है, इतना माइलेज देने की जरूरत नहीं है वो इंसान को, तो एक मिनट में आपको एक जन से मिलाना चाहूंगा। आइए आइए, ये शख्स वो है जो मेरा म्यूजिक में मेरा पार्टनर है, और ये हमारे इंडिया का वन ऑफ द लाइक नॉट वन ऑफ द लाइक ही इज द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर, ही इज टॉल, इवन आई एम टॉल। ये हमेशा ना मुझे बोलने के टाइम पे ना मुझे ये कर देती है, ठीक है, यू आर टॉलर आई एम स्मॉलर, ओके। तो ये जो बंदा है लाइक ये सिंगर है, एक म्यूजिक डायरेक्टर है, और अभी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और अभी क्या डीजे भी है ना, हाँ, ये तो ये इनसे आप कुछ पूछ लीजिए बहुत बहुत जल्दी। क्या कहना चाहिए गाने के बारे में? गाना फाइनली रिलीज हो। ए डोंट से लाइक दैट यार, कम ऑन, यू लाइक द रिजल्ट, बस तो खत्म हो गया। अच्छा बच्चा पैदा होने के लिए ना 9 महीने रहना पड़ता। अच्छा बच्चा, हां प्रीमैच्योर बेबी चाहिए था? नहीं ना, बस राइट। दीदी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप नहीं, कुछ मैंने बोल दिया ऑफ कैमरा, बोल दिया मैंने, प्लीज प्लीज। यार सो द वीडियो फाइनली केम आउट एंड इट केम आउट रियली वेल, I'm happy for it. But there was no happiness in that. It's like, I'm happy. You just got up to sleep right now. DJ तो वैसे DJ तो रात भर जगते हैं।